हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष यादव। तो आप देख रहे हो, आज मैं बनाऊंगी पास्ता। तो पास्ता को मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया और इसको छान लिया। तो शुरू करते हैं, चलते हैं गैस की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने तेल डाल दिए एक चम्मच। तेल हमारा गर्म हो रहा है। डालेंगे जीरा और राई। देखिए मैंने जीरा राई डाल दिया। अब हींग डाल दिया मैंने। अब इसमें जाएगा दो प्याज और दो हरी मिर्च। देखिए फ्रेंड्स, इसको हल्का ब्राउन करेंगे प्याज को और हरी मिर्ची को। देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक चम्मच नमक डालेंगे हम। आप आपके हिसाब से डाल सकते हो कम ज़्यादा नमक। तो इसको भी अच्छे से मिला देंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक चम्मच हल्दी डालेंगे और आधा चम्मच लाल मिर्च। देखिए हल्दी और मिर्च डाल दी मैंने। नमक पहले डाल दिया था, अब इसको भी अच्छे से मिला देंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें जाएगा एक टमाटर जो मैंने अच्छे से इसको बारीक काट लिया। इसको भी अच्छे से मिला देंगे। अभी इसमें डालूंगी मैं आधी चम्मच चाट मसाला। इसको भी अच्छे से मिला देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसको अच्छे से मिला देंगे। प्याज हमारी ब्राउन हो गई, मसाला भी हमारा पक गया। तो इसको 2-3 मिनट और पकाएंगे हम। तो इसमें डालेंगे थोड़ा सा मसाला। आप कोई भी मसाला डाल सकते हो, गरम मसाला डाल सकते हो और भी कोई मसाला डाल सकते हो जो आपके पास हो। इसको भी अच्छे से मिला देंगे। अब इसको मैं 3-4 मिनट तक पकाऊंगी, फिर करेंगे चेक। देखिए फ्रेंड्स, मेरे को पकाते हुए 3-4 मिनट हो गई। अब इसमें जाएगी एक चम्मच देसी घी। तो मैंने एक चम्मच देसी घी डाल दिया। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैं इसको 2-3 मिनट और पकाऊंगी, फिर डालेंगे इसमें पास्ते। देखिए फ्रेंड्स, इसमें डालेंगे थोड़ा सा टमाटो सॉस। तो मैंने सॉस डाल दिया एक चम्मच के लगभग। और इसको भी अच्छे से मिला देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मेरे को पकाते हुए 5-6 मिनट हो गई। मसाला अच्छे से तेल छोड़ दिया। इसमें डालेंगे पास्ता। तो आप जाएंगे इसमें पास्ता। पास्ता को बॉयल करके और ठंडा पानी से धो के मैंने आधा चम्मच घी की डाल दी थी। इससे क्या, पास्ता हमारा खुले खुले बनेंगे और टेस्टी भी बनेंगे। इसलिए इसमें घी ज़रूर लगाए आप पास्ता के। तो इसको अच्छे से मिला देंगे। जिस हिसाब से मैंने पास्ता बनाए उस हिसाब से आप ज़रूर बनाएगा। ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं। देखिए हमारा पास्ता बनके रेडी है। तो इसको अच्छे से बॉईल नहीं होते हैं शुरू में, तो लास्ट में थोड़ी देर पका सकते हो, 3-4 मिनट। तो मैंने तो अच्छे से बॉईल कर लिया था इनको, तो अब मैं पकाऊंगी नहीं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आज के लिए थैंक यू।